निधि त्रिपाठी जी जम्मू पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। मैम पहले तो स्वागत है आपका जम्मू में, मंदिरों के शहर में। मैम एबीवीपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कैसा यहाँ पर आपको पूरा वातावरण लग रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर 370 भी खत्म हो चुका है, तो कैसा लग रहा है मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जम्मू में जब आज सुबह ही मैं जैसे ही स्टेशन पर आई, आने के तुरंत बाद ही एक पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिली, एक सकारात्मक जो माहौल था वो पूरे जम्मू में मुझे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर छात्र इकट्ठा हुए हैं, छात्रों में उत्साह भी है, 5 अगस्त को हटा और उसके बाद से लेकर के अभी तक आज अगर यहाँ पर सैकड़ों छात्र अगर इकट्ठा है तो ये वो इस बात को प्रूव करने के लिए है कि हमारा जम्मू कश्मीर सामान्य परिस्थिति में है और हम देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। मैम आप खुद भी जेएनयू के स्टूडेंट रह चुके हैं और आज देश के अंदर जो हालात है, शाहीन बाग जैसे हालात बने हुए हैं, इस पूरी परिस्थिति को आप किस तरह से देखते हैं, तिरंगा हाथ में लेकर और जिस तरह के हालात वहाँ पर हो रहे हैं। कल एक महिला के ऊपर भी वहाँ पर जिस तरह से कोशिश की गई, गुंजन वहाँ पहुंची थी, गुंजा कपूर, तो मैम क्या हालात बन गए हैं देश के अंदर और शाहीन बाग के अंदर जो ये हालात बन रहे हैं, क्या ये सिर्फ दिल्ली इलेक्शन को फोकस किया जा रहा है या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बिना जानकारी के सड़कों पर हैं बच्चों को, महिलाएं बाहर निकली हुई हैं। जी जी, देखिए अभी शाहीन बाग के बारे में अगर बात करें तो एक पूरा मूवमेंट, उस जो पिछले 1.5-2 महीनों से जो मूवमेंट चल रहा है उसके अलग अलग वीडियोज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पहली स्थिति तो यह है कि उस मूवमेंट में बैठे हुए लोगों को, कुछ लोगों को CAA का फुल फॉर्म नहीं पता है या CAA से क्या होने वाला है उन लोगों को ये नहीं पता है, वो सिर्फ आंदोलन में बैठे हुए हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं। कुछ लोगों को यह भी पता चला वीडियो के माध्यम से कि कैसे 500 रुपए लेकर के वो आंदोलन में आकर के बैठे हुए हैं, बिरयानी मिल रही है उसके लिए बैठे हुए। बेसिकली एक ऐसा लग रहा है कि पिकनिक स्पॉट है वो, जहां पे वो शिफ्ट बदल बदल करके लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और जा रहे हैं। हाँ, बट इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि शाहीन बाग के वो लोग, शाहीन बाग में बैठे हुए वो लोग जिन्होंने नोएडा और दिल्ली की सड़क को जाम करके रखा हुआ है, जहां पे एम्बुलेंस को जाने नहीं दिया जा रहा है, जहां पे खुद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के हवाई फायर करता है, गोलियां चलाता है और उसके तुरंत बाद किस तरीके से ट्विटर पर एक हिंदुत्व आतंकवादी करके ट्रेंड चलाया जाता है, आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, अलग अलग पार्टी के नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता उसको समर्थन दे रहे हैं उस पूरे मूवमेंट को, तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरी स्ट्रेटजी के तहत देश की एकात्मता और अखंडता को खंडित करने का प्रयास लगातार ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से किया जा रहा है। बट उनको भी ये बात समझने की आवश्यकता है कि देश का युवा मूर्ख नहीं है। आपने कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के माध्यम से ही हवाई फायर करवा करके हिंदुत्व आतंकवादी करके पूरे देश में हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास किया, परंतु अभी जब खुद दिल्ली की पुलिस ने इंक्वायरी करने के पश्चात में उन आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर दिया कि आप ही के कार्यकर्ता हैं, और वो पता लग गया कि कौन लोग हैं जो शाहीन बाग के मूवमेंट को फंड दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो सेपरेटिस्ट जो लोग हैं उनको मदद देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वैसे ही लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं और वो एक स्ट्रेटजी के तहत देश को तोड़ने के प्रयास करने के तहत वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अभिनेता भी इन्हीं प्रोटेस्टर्स के साथ हैं और आपने ट्विटर के ट्रेंड्स की बात की, तो हिंदुत्व को लगातार टारगेट किया जा रहा है, कुछ साइंस ऐसे जो है बीच में लेके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं और कुछ फिल्म एक्टर्स तो पूरी तरह से इस एजेंडा के साथ हैं और एंटी इंडिया जो कुछ फोर्सेस के साथ मिल चुके हैं, PFI का लिंक्स इसके साथ सामने देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर किसी को फॉलो करने की आजादी है, लोग फॉलो कर सकते हैं, परंतु जो अभिनेता, अगर एक बड़े अभिनेता की बात करें तो फरहान अख्तर जी, जो कि मुंबई में प्रोटेस्ट में तो गए CAA के अगेंस्ट के प्रोटेस्ट में, बट उनको खुद क्वेश्चन पूछा गया कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं, तो उनको खुद नहीं पता कि CAA से क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला है। जब आप समझ सकते हैं कि एक अभिनेता को नहीं पता, एक अभिनेत्री को नहीं पता है कि CAA से क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे लोग एक पॉलिटिक्स के तहत देश में अशांति को बनाए रखने के लिए, देश में अशांति को बार बार बनाने के लिए लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं, यूथ उनको फॉलो करता है। बट मुझे तो हंसी आ रही है उनके ऊपर कि वो प्रोटेस्ट में गए, वो एक्सपोज हुए और युवा भी समझ गए इस देश का कि आप मूवी दिखाओगे हम आपकी मूवी देखने जाएंगे, बट आप ये मत सोचो कि आप मूवी के नाम पे कुछ भी परोसोगे तो देश का युवा स्वीकार कर लेगा, या फिर आप मूवी के अलावा आप देश के खिलाफ बोलोगे तो देश का युवा वो स्वीकार कर लेगा। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आपका अभिनेता का करियर अलग है, देश का एक नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारियाँ अलग हैं। अभिनेता का रोल आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो देश का युवा उसको फॉलो करेगा, बट जैसे ही आप देश के नागरिकता से आप विचलित होने का प्रयास करेंगे तो ये देश का युवा आपको सबक सिखाने में भी भरोसा रखता है। और अभी पीछे एक मूवी बहुत अच्छे
विषय को लेकर के आई, बट किस तरीके से किन लोगों का समर्थन करने के कारण उस मूवी का क्या हश्र हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है, हर किसी को पता है उसके बारे में। तो बहुत उसके बारे में बहुत कमेंट करना कुछ उचित नहीं होगा, बट देश का युवा समझदार है। एक आखिरी सवाल, आप जम्मू कश्मीर में आए हुए हैं, तो हालात आपने कैसे देखे? आपने भी देखा होगा कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बने हैं, आर्मी और पुलिस हर जगह खड़ी है, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, लॉकडाउन है, कश्मीर लॉकडाउन है। आपको लगता है कि कुछ ऐसा आप देख रहे हैं? देखिए, आज जब हम यहाँ पर खड़े हैं, विद्यार्थी परिषद का जम्मू कश्मीर प्रांत का अधिवेशन हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ जम्मू से लोग नहीं आए हैं बल्कि कश्मीर से भी लोग आए हैं। अगर हर जगह लॉकडाउन चल रहा है तो कश्मीर का ये युवा निकल करके आज यहाँ कैसे खड़ा है, जम्मू की मेन सिटी में खड़े होकर के अधिवेशन कैसे अटेंड करने आया है? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, पर उनको भी पता है कि देश की स्थिति सामान्य है, देश में कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रहा है, देश अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा है, देश की एकात्मता में जो एक दाग के तरीके से 370 था वो खत्म हो चुका है, और उसके पश्चात देश एकात्मता की तरफ पूरे तरीके से बढ़ चुका है, देश का युवा सपोर्ट कर रहा है, कहीं पर भी कोई लॉकडाउन नहीं है, देश का युवा उत्साहित है, हम भी उत्साहित हैं, लोग उत्साहित हैं, और वो पूरे तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, संदेह की कोई स्थिति ही नहीं है अभी समाज में। शुक्रिया मैम बात करने के लिए, जम्मू में एक बार फिर से आपका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। निधि त्रिपाठी जी हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और एबीवीपी का अधिवेशन है उसके लिए ही आज इनका कार्यक्रम था, और उन्होंने साफ कर दिया कि 370 एक दब्बा था जम्मू कश्मीर के ऊपर। देखते रहे जेके मीडिया, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए जय हिंद।